तो हमारे साथ बायोलॉजी के बच्चे हैं, 12th क्लास के, और सारी कन्याएं हैं, देवी माताएं। पेपर कैसा हुआ? पेपर इजी था, पेपर अच्छा हुआ। मैंने कल भविष्यवाणी करी थी पेपर इजी आएगा, लेंदी था क्या पेपर? थोड़ा सा आराम से कर लिया। आपको कैसा लगा? अच्छा था पेपर। अपना नाम बताइए। अनामिका। प्रेरणा। भूमिका। नाम? ईशा। ईशा, चलो ठीक है। तो पेपर इजी आया बहुत ज़्यादा? पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया? एनसीईआरटी से था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन से थोड़े घुमा के मतलब डीपली पढ़ा हुआ तो हो जाएगा पेपर, मतलब ऑप्शन डीप में था। हाँ, डीप में था क्वेश्चन। अगर किसी ने डीप नहीं पढ़ा तो उससे नहीं होगा? मतलब डीप ज़्यादा पढ़ने की भी नहीं जरूरत, अगर आप क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो देन इट्स ओके। आप क्या कहोगी, तैयारी कैसे करेगी? नॉर्मल था पेपर, तो एनसीईआरटी पढ़ी काफ़ी थी। अगर किसी बच्चे ने, आ जाइए भाई प्लीज, अगर किसी बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और वो एक दो दिन पढ़ा, बस पास हो जाएगा? पास तो हो जाएगा। हाँ, हाँ। जैसे एक दिन पढ़ा बस, लास्ट में दो तीन चार घंटे पढ़ लिया, एमसीक्यू पढ़ लिया, पास हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ी और एमसीक्यू, अगर किसी ने खाली सैंपल पेपर कर लिया, बस एक दो सैंपल पेपर कर लिया, पास होगा? कोई चांस नहीं होगा। तो भाई हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहा करो कि कोई अगर कुछ सवाल पूछता है, मैं भी टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना है। तो लड़कियाँ एनडीए में चली गई हैं इस साल, पता है आपको? यस सर। तो आपने फॉर्म भरा एनडीए का? क्यों? एज कम है। आप तो सभी सबके पास तो बायो है ना, तो बायो वाले भी जा सकते हैं। बायो वाले जा सर, एज का फर्क पड़ रहा है। अब आगे क्या प्लानिंग है, डीयू में या कुछ और करोगी? सर अभी का तो उधर देखो कैमरे की तरफ, मास्क हटा दो। ओके सर, अभी तो नीट करनी है। नीट करनी है? यस। डॉक्टरी बनना है सबको? नीट करनी है अभी, कुछ नहीं, बोर्ड्स पे ध्यान देना। आपको 12th है बेटा? सर नीट। नीट, अच्छा। मैं भी नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा चैनल है अनुराग दे क्लासेस, तो वहाँ पर आप देख सकती हो, फ्री सीरीज चलती है मेरी, और मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ फिजिक्स। तो नीट के लिए मैं स्पेशल लेक्चर ला रहा हूँ, नीट के लिए सिर्फ, और नीट का सिलेक्शन केवल फिजिक्स पर डिपेंड करता है, ये बात आप समझ लो। अगर आपने फिजिक्स कवर कर ली तो नीट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बायो कितनी पढ़ लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? बायो सबकी अच्छी होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बच्ची और मिली हमें, नाम क्या दे अपना? ज्योति। ज्योति हमारे साथ है। ज्योति, पेपर इजी, मीडियम, टफ? मुझे तो ठीक ही लगा, मतलब इजी में ही कह सकते हैं, क्योंकि सारा एनसीईआरटी से ही था, लाइन टू लाइन। अगर कोई बच्चा लास्ट के दो दिन पढ़ेगा, पास हो जाएगा? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते। और पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन थे या थोड़े घुमा फिरा कर आए थे? थोड़ा घुमा गए बस, मतलब ज्यादा क्वेश्चन तो घुमाए हुए थे, बस कुछ कुछ क्वेश्चन घुमाए हुए। जब आपके हाथ में पेपर आया तो आपको डर लगा या लगा यार कर लूंगी यार? नहीं, थोड़ा लगा था, क्योंकि बायोलॉजी के लिए लगता है ना कि हाँ हम कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए नहीं लगता, तो इसलिए लगा कि हाँ कर सकते हैं शायद। और पेपर जो लीक होने की बात चल रही थी, आपको ऐसा कुछ लगा कि पेपर लीक हो रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, पेपर लीक नहीं हो रहे। नहीं। और यहाँ पर काफी स्ट्रिक्टनेस है या नॉर्मल है? काफी स्ट्रिक्टनेस है। स्ट्रिक्टनेस। अच्छा, जो भी बच्चे 11th के 12th में आएंगे उनको क्या सलाह दोगी, बायोलॉजी कैसे पढ़े? लाइन टू लाइन रीड करना चाहिए, मतलब जितना टीचर पढ़ाए उतना तो एटलीस्ट डेली रीड करो, ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए रीड करने। डायग्राम वाले क्वेश्चन आए? हाँ आए। मैंने कल बताया था डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट ज्योति। हमारा चैनल बताया? हाँ जी सर। अनुराग दे क्लासेस, सर सब्सक्राइब कर लेते। और बच्चे हैं 12th के, यहाँ दिख रहे हैं आपको? नहीं, और तो ज्यादा नहीं, सब चले गए, वो खड़े हैं उधर, वो सब।